फिर से आप स्वागत है हमारे चैनल राज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूं। आज हम लेके आए हैं टाटा के प्रोडक्ट वोल्टास की फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है टाटा का वोल्टास बैगो की फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी कैपेसिटी 7.0 की थी, इसकी कैपेसिटी है। और दोस्तों हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो 5-स्टार रेटिंग के साथ ये कंपनी हमको देती है, जो कि 40% पावर सेविंग का काम करती है, 5-स्टार रेटिंग, ठीक है। उसके बाद में 12 ईयर्स की मोटर की वारंटी मिलती है और 3 साल हमको मिलती है इसकी सर्विस की गारंटी, ठीक। उसके बाद में हमको मिलता है इसका वेटर रेंज 40%, वेटर रेंज जो होता है वो 40% और मशीनों के मुकाबले 40% बढ़िया धुलाई करके देता है ना। उसके बाद में 30% मोर एनर्जी सेविंग और कंपनी की वॉशिंग मशीनों के मुकाबले 30% मोर जो वाटर सेव एनर्जी सेविंग का काम करता है। उसके बाद में इनके अंदर की बात करें तो अंदर दिखाएंगे तो दो टाइम उसके फीचर्स के बारे में, तो कंपनी हमको 12 साल की इसकी मोटी गाड़ी देती है और 3 साल की इसकी देती है कंप्रेसिव गारंटी, जिसकी भी 3 साल तक आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है दोस्तों। और 3 इसमें स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि 40% मोटर मोर रिंस, मतलब 40% आपके कपड़े की क्वालिटी और वॉशिंग मशीनों से बेहतर देती है ये कंपनी, ठीक है। उसके बाद में 40% मोर वाटर सेविंग और कंपनियों से 40% मोर पानी की बचत करती है। उसके बाद में 30% मोर एनर्जी सेविंग, 30% लाइट की बचत करती है और वॉशिंग मशीनों के मुकाबले। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके ग्लास, इसके अंदर एक बहुत ही शाइनिंग वाला टफन ग्लास इसका डोर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए ये बहुत गजब चीज़ है। उसके बाद में ये इतने टॉप क्वालिटी का इसका पल्सीटर दिया गया है, जो कि बेहतर आपको वॉशिंग क्वालिटी देगा। उसके बाद में ये जंग रोधक स्टील का इसका वो दिया गया है ड्रम, देखिए दोस्तों इसमें वॉशिंग क्वालिटी एकदम गजब की आती है। 2 प्रकार के इसमें फिल्टर की दिए गए हैं, ये नॉर्मल फिल्टर है और ये है मैजिक फिल्टर, ठीक है। इसी प्रकार से ये लगते हैं। हमारा शॉर्पनर और डिटर्जेंट बॉक्स है, इसके अंदर हम शॉर्पनर डाल के यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम डिटर्जेंट डाल के यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ वार्निंग्स दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अब चालू करते हैं इसके पैनल के बारे में। ये फुल वाटर प्रूफ पैनल है, जो कि इसमें पानी भी गिर जाए तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहता है। ये हमारा ऑन। अब बात करेंगे इसके फंक्शनल डेमो के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी जो है इनलेट पाइप है, जो कि हम उनको नल में टैप में लगानी है, जिससे कि पानी आए और पानी का प्रेशर थोड़ा बढ़िया आएगा तो ये चल पाएगी, अगर पानी का प्रेशर नहीं आएगा तो नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों इसको ऑफ करने का बटन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है। उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम सिलेक्टर है, वो कपड़े की टाइप सिलेक्टर है। ये हमारा प्रोग्राम देखिए, जैसे अभी फिलहाल मिक्स पे है, इसी से हम इसको हैवी पे यूज़ कर सकते हैं। हैवी पे हमारे हैवी प्रकार के कपड़े आते हैं, जींस वगैरह। उसके बाद में मिक्स हैवी, तो दोस्तों ये हमारी साड़ी का है, इसके साड़ी धो सकते हैं, इस फंक्शन में हम साड़ी धो सकते हैं। दूसरे इको का फंक्शन है दोस्तों, इसके अंदर हम पावर सेविंग, वाटर सेविंग, 2 प्रकार के सेविंग का काम करता है ये। लेकिन इसकी एक कैटेगरी होती है, इसके अंदर हम उन कपड़ों को धो सकते हैं जो कम गंदे हैं, डेली बेसिस यूज करे हुए कपड़े, ज़्यादा गंदे कपड़ों को नहीं धो पाएगा ये। उसके बाद में ये चुपका है, अगर 1 या 2 जोड़ी कपड़े आपको हम धोने हैं तो क्यों नहीं अपन धो सकते हैं। उसके बाद में ये बुलन है, सर्दियों के कपड़े हमको इसमें धोने हैं बुलन वाले में। ये बेबी बियर है और इसके अंदर हम मरीजों के कपड़े भी धो सकते हैं, क्योंकि ये बेबी बियर जो फंक्शन आता है ये बैक्टीरिया फ्री फंक्शन है, कपड़े के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करता है। उसके बाद में ये मल्टी कलर है, मल्टी कलर में
सभी प्रकार के कलर जैसे मिक्स कपड़े अपन धोना चाहते हैं उनको धो सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टब क्लीन का है जिसमें हम टब क्लीन करने का काम करते हैं। महीने में 15 दिन में हमको एक बार टब क्लीन करने की ज़रूरत होती है। ये हमारा मानसून फंक्शन है। मानसून फंक्शन के अंदर हम बरसातों के टाइम के जो कपड़े हैं उनको हम धो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके स्पेशल फंक्शनों के बारे में। जैसे कि हमने सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन के अंदर हमको मिलता है, खाली हमको केवल ठीक है। अब ये तीनों चीज़ करे हुए अटैम वाश रिंस और स्पिन। ठीक है, लास्ट अगर अपन केवल कपड़ा सुखावा चावान है तो यह सुखा वाला पाओ नहीं, अब सोख पाओ। स्पिन और सोख, एक सोखवा का मतलब वो ना सुखा हो, सोखवा का मतलब यह है कि यह वाशिंग मशीन तो बंद रहेगी। सुनो तो सोखवा का मतलब मैं बता दूं कायदे पे। सोखवा मतलब वाशिंग मशीन तो बंद रहेगी, आपने जो सरफ में कपड़ा भिगो दिया ना और जब बाल्टी में पटक दिया तो बस सोखवे रहे एक तरीके से। हाँ ठीक है, ये चारों चीज करवा के लिया है फंक्शन। यहाँ अपन वाटर लेवल सेट कर दिया और चारों चीज करे वो। वाटर लेवल को मतलब ये वाटर लेवल देखो ऐसा है, 10 तक रहे हुए, 100 लेकर के 10 तक वाटर लेवल है अपना। एक पे अपन सेट करेंगे 10% टब भरे हो पानी से। अच्छा ठीक है, दो पे सेट करेंगे तो 20% बस बस वही हिसाब सेट करना है। ये वाश करवा को पर्टिकुलर आप वाश करो यहाँ पे या पर्टिकुलर रिंस करो। अब रिंस का मतलब ये इसमें ये होता है जैसे सरफ के कपड़ों को पानी में गंगोलना, निचोड़ना मतलब पानी से निकालो बाहर निकालो, वह रिंस रह गए। ठीक है, वाश और रिंस होगा, ये लास्ट में रिंस और स्पिन होगा या ये पर्टिकुलर ये बटन जो काम आए उन पर्टिकुलर वे में करना है तो ठीक है ना। अब तो अपन धोना है तो ये बार चालू कर दो। हाँ धोना है तो आप तो इन्हें मिक्स पर करे करो, ज़्यादातर मिक्स पर वाटर लेवल सेट कर दिया कपड़ा के हिसाब से और स्टार्ट कर दियो। डेले को जो बटन या काम में लेना अपन जैसे अपन ने मिक्स पर सेट कर दियो। ठीक ठीक सुबह 4 बजे जैसे अपन रात में सेट कर दियो, अपन को सुबह 5 बजे कपड़ा धुप के तैयार होना चाहिए तो वह हिसाब से अपन ने हम डिले डाल दिया भैया 5 घंटा 8 घंटा वो कि अपन को जगवा से पहले कंप्लीट मिलेगा कपड़ा सूखा सुखाया। अपन को डायरेक्ट फेंकना है कहीं ऑफिस जाना, तो ऑफिस जाना पार्टी में जाना वह के लिए टाइम सेट करवाओ डिले।